हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम करता हूं मैं भारत पंचाल अगेन आप सबका हमारी नई वीडियो में भारत केमिस्ट्री क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सभी बहुत बढ़िया हो, बढ़िया से जा रही है लाइफ। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मेटलर्जी चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन कि हम लोग आयरन को कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं एंड उसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है ब्लास्ट फर्नेस से। ठीक है, अब देखो मैंने पहले बोला कि ये टॉपिक पूरे आए ये नहीं बनता, रिएक्शन आपसे पूछे जा सकते, तो रिएक्शन आप लोग देख लेना और हल्का फुल्का आइडिया आपको होना चाहिए, पूरे के रट्टे मत मारने बैठ जाना। ये है सेटअप, सारे का सारा ऊपर से नैरो होता है, फिर वाइड होता है, फिर नैरो हो जाता है। समझेंगे इसमें क्या होता है। तो आयरन के बारे में सबसे पहले बात बताऊं तो ये नोबल मेटल नहीं है जो हमें प्योर फॉर्म में मिले, ये कंबाइंड फॉर्म में मिलती है, जुड़ी हुई मिलेगी हमें। ठीक है, क्योंकि बहुत रिएक्टिव होती है। खास बात बताऊं तो ये सेकंड मोस्ट अबंडेंट मेटल है, पहली कौन सी आपको पता होगा, पहले दो एलिमेंट कौन से हैं वो भी आपको पता होगा, कमेंट सेक्शन में बताओ एलिमेंट और मेटल का फंडा इससे पहले जो आते हैं। ठीक है, अगली बात करें तो इसके ओर्स होते हैं जिससे इसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है, कई सारे ओर हैं। लाइक सबसे पहले मैं बात करूं हेमेटाइट, और एक्चुअल में जो हम पढ़ने वाले हैं वो हेमेटाइट से ही इसके एक्सट्रैक्शन पढ़ेंगे। हेमेटाइट के बाद बात करूं तो मैग्नेटाइट, इसके बाद बात करें तो लिमोनाइट, इसके बाद बात करें तो आयरन पाइराइट, इसके बाद बात करें तो सीडेराइट। ये सारे के सारे इसके ओर हैं, बट हमारे लिए जरूरी है सबसे हेमेटाइट। हेमेटाइट का फॉर्मूला होता है Fe2O3, मैग्नेटाइट का फॉर्मूला होता है Fe3O4, लिमोनाइट का फॉर्मूला होता है Fe2O33H2O, आयरन पाइराइट का फॉर्मूला होता है FeH2, सीडेराइट का फॉर्मूला होता है FeCO3। क्लियर, सीडेराइट का फॉर्मूला होता है FeCO3। अब मेरी बात पर फोकस कीजिए कि इसे मैग्नेटाइट को क्या कहा जाता है, मैग्नेटिक ओर ऑफ आयरन कहा जाता है। इसे क्या कहते हैं, हाइड्रेटेड ऑक्साइड ऑफ आयरन भी कहा जाता है। ये सारे के सारे ओर है बट जो सबसे जरूरी है वो है हेमेटाइट। क्लियर, तो सबसे पहले जो हम काम करेंगे, सबसे पहले हमारा काम क्या होता है, जब भी एक्सट्रैक्शन करते हैं उस ओर को पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, उसको क्रश करते हैं। क्लियर, उसके बाद जो हमारा काम स्टार्ट होता है वो होता है कंसंट्रेशन ऑफ ओर, कि उसके ओर की कंसंट्रेशन करो। कंसंट्रेशन के लिए मैंने बहुत सारी प्रोसेसेस आपको बताई हुई हैं। देखो बेटा, जो भी हम एक्सट्रैक्शन सीख रहे हैं ना, उससे पहले आपको फ्लो चार्ट वो पता होना चाहिए, फ्लो शीट डायग्राम मैंने आपको बताया था, प्लीज वो जरूर देख लेना, और पूरा चैप्टर ही बहुत अच्छे से करवा दिया है, एंड पे आ चुके वो देख लो अच्छे से। कंसंट्रेशन ऑफ ओर जो इसकी की जाती है वो की जाती है ग्रेविटी सेपरेशन। याद आ रहा है ग्रेविटी सेपरेशन क्या था? ग्रेविटी सेपरेशन में क्या होता है कि रनिंग वाटर होता है उसमें ऊपर से पाउडर्ड ओर डालते हैं, जो भारी ओर होता है वो नीचे बैठ जाता है, जो लाइटर इंप्योरिटीज होती है वो बह जाता है। मेन होता है प्रिंसिपल, और उसका प्रिंसिपल होता है वो ग्रेविटी पे डिपेंड करता है, डेंसिटी पे डिपेंड करता है, कि जो जितना भारी है वो नीचे बैठ जाएगा, हल्की इंप्योरिटीज बह जाएंगी। क्लियर है, चावल को साफ करते हैं उससे जो मिट्टी वगैरह कैसे करते हैं, पानी में से वो बह जाती हैं, चावल हमारे रह जाते हैं। इसके बाद कंसंट्रेशन ऑफ ओर के बाद इसकी होती है ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन के लिए हम लोग यूज करते हैं क्या, कैल्सिनेशन। याद आ रहा है कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग करवाया हुआ है, सब कुछ ही करवाया हुआ है यार, मैं बार बार क्या कहूं, आप खुद ही समझदार हो। लास्ट चैप्टर चला हमारे सिलेबस का, हर एक चैप्टर मैंने पूरा करवा दिया, प्ले लिस्ट चेक कर लो। और मैं एक चीज क्लेम कर सकता हूँ, एक चीज मैं श्योरली बोल सकता हूँ, दैट आवर चैनल इज बेस्ट फॉर बोर्ड एग्जाम प्रिपरेशन। एक भी टॉपिक बाहर से नहीं आएगा, इतने दिन रात हमारी टीम मेहनत कर रही है, चाहे वो मैथ्स वाले सर हो, चाहे वो फिजिक्स वाले सर हो, और अभी बायोलॉजी भी हम ऐड करने वाले हैं इस वीक से। अब तो आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, जब हम इतनी मेहनत कर रहे हैं तो आप लोग भी थोड़ा बहुत सपोर्ट कर ही सकते हो ना, कि चलो यार ये लोग फ्री में इतना प्रोवाइड कर रहे हैं। अब कई बच्चे स्टार्ट होंगे, नहीं सर आप फ्री में कहाँ प्रोवाइड कर रहे हो बेटा, 80+ तो हमारे से आ सकते हैं, वो 95+ के लिए जिनको हम फोर्स करते हैं, और वो बहुत थोड़ी सी फीस है, जितने बच्चे पे कर रहे हैं ना उनसे पूछना। ठीक है, बाकी सारे चैप्टर मैंने फ्री में ही अपलोड कर रखे हैं, सारे का सारा कंसेप्ट फ्री में ही अपलोड कर रखा है, क्वेश्चन तो आप लोग खुद से लगाए लोगे, जो नहीं लगा सकते सुपर रीजन बैच ज्वाइन कर लो। चल टॉपिक पे आ रहे हैं, ऐड नहीं करनी अभी। कैल्सिनेशन की बात कर रहे थे,
कैल्सिनेशन का क्या फंडा है, कैल्सिनेशन में क्या होता है, ओर इज हीटेड, ओर इज हीटेड इन एब्सेंस ऑफ एयर, एब्सेंस ऑफ एयर और लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर, लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर, जिसमें आप और को हीट करते हो, किसमें भाई, एब्सेंस ऑफ एयर में, या कह लीजिए लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर में। तो कैल्सिनेशन, कैल्सिनेशन हो चाहे रोस्टिंग हो, एक प्रोसेस हो जाती है क्या, मॉइस्चर इज रिमूव्ड, मॉइस्चर हर जगह से रिमूव हो जाता है, मॉइस्चर इज रिमूव्ड। दूसरी बात करें तो वोलेटाइल इंप्योरिटीज, वोलेटाइल ऑक्साइड कह लीजिए ऑफ इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स, इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स रिमूव्ड, क्या मतलब है, लाइक फास्फोरस है, फास्फोरस का ऑक्साइड बन के रिमूव हो जाएगा P4O10 करके, ठीक है, ऐसे सल्फर है वो भी ऑक्साइड बन के रिमूव हो जाएगा 8SO2। ऐसे ही सारे के सारे जितने भी ये इनऑर्गेनिक मेटल्स के ऑक्साइड है वो सारे के सारे वोलेटाइल ऑक्साइड रिमूव हो जाएंगे, मॉइस्चर भी रिमूव हो जाएगा जब हम उसको हीट करेंगे। तो आगे बात बढ़ाएं तो यहां पे ना फेरस कार्बोनेट होता है जिसे हम लोग सिडेराइट में बोलते हैं, FeCO3। इस सिडेराइट के साथ क्या होता है भाई, इसको पहले तो हीट किया जाता है तो ये कन्वर्ट हो जाता है FeO+CO2 एंड देन इस FeO को हीट किया जाता है विद लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर, ऐसे तो ये बन जाएगा Fe2O3, ये भी फेरिक ऑक्साइड बन गया जिसकी हमें जरूरत भी है, क्लियर। तो ये है इसका सबसे पहला पोर्शन जिसमें कि हमने इसकी कंसेंट्रेशन की और कैल्सिनेशन की। अभी चलते हैं हम लोग इस डायग्राम पे, इसमें क्या होने वाला है भाई, चलिए तो अभी बात करते हैं नेक्स्ट पोर्शन और सबसे जरूरी पोर्शन जो है स्मेल्टिंग। स्मेल्टिंग में क्या होता है कि FeO जो आयरन ऑक्साइड है उसको आप लोग रिड्यूस करते हो कार्बन के साथ और वो कन्वर्ट हो जाता है Fe+CO के अंदर, आयरन प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड के अंदर। एंड इसमें आपकी हेल्प करता है ये सारे का सारा सेटअप। इस सेटअप में आपने क्या क्या लिया है, ओर लिया है, लाइमस्टोन लिया है एंड कोक लिया है, उन सबका मिक्सचर, ऊपर से दरवाजे खोले जाते हैं ये नीचे आता है। स्टार्टिंग से देखिए, अभी मैक्सिमम बच्चों का जो क्वेश्चन है वो है जोन से रिलेटेड, सर अलग अलग जोन में डिवाइड किया गया, बिल्कुल इसको अलग अलग जोन में डिवाइड किया गया। सबसे नीचे जो होता है वो होता है कंबस्शन जोन, कंबस्शन जोन में कार्बन होता है, कोक होता है और उसको ऑक्सीजन के साथ जलाया जाता है एंड वो बन जाता है CO2। क्या बन जाता है वो, CO2 बन जाता है। अभी क्या होगा, इस CO2 को, इस CO2 यहां पे जो डेल्टा एच है, ये प्रोसेस बहुत ही ज्यादा एक्सोथर्मिक होती है। सबसे नीचे थोड़ी ऊपर चलते हैं, ये है फ्यूजन जोन। कैसा जोन है भाई ये, फ्यूजन जोन। फ्यूजन जोन में क्या होगा, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है, अगर थोड़ा बहुत कार्बन और भी है, देखो ये मिक्सचर ऐसे नीचे आता है। अब बात होती है हर एक चीज अलग अलग जगह पे जलेगी, अलग अलग जगह पे जलेगी, सारे के सारे मिक्सचर आपने डाले, सबसे नीचे क्या आया, कार्बन किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करेगा, बनेगा CO2। ये प्रोसेस एक्सोथर्मिक है। यहां पे ये CO2 और अगर कोक मिला हुआ है तो उसके साथ जुड़ेगा, ये क्या बन जाएगा, CO, क्या बन जाएगा, CO। और यहां पे जो प्रोसेस रहती है वो रहती है एंडोथर्मिक। अगर प्रोसेस एंडोथर्मिक है तो डेल्टा एच क्या आएगा भाई, पॉजिटिव रहने वाला है। बात क्लियर होती है या नहीं क्लियर होती है, आगे समझो। अब इस फ्यूजन जोन में क्या भी हो सकता है कि अगर थोड़ा बहुत फेरिक ऑक्साइड है आपके पास, Fe2O3 है फ्यूजन जोन में, तो वो कंबाइंड हो जाएगा किसके साथ, कार्बन के साथ, और वो क्या बन जाएगा, वो आपका बन सकता है 3CO2 या फिर CO भी बन सकता है, इसको ऐसे रखो सिंपल, तो ये बन जाएगा 3CO एंड यहां पे 2Fe। नेक्स्ट इज स्लैग फॉर्मेशन जोन, स्लैग फॉर्मेशन जोन, स्लैग फॉर्मेशन जोन में क्या होता है, स्लैग कल हमने किया था ना, फ्लक्स एंड स्लैग, हम क्या डालते हैं, लाइमस्टोन डालते हैं, लाइमस्टोन का फॉर्मूला होता है CaCO3, जो कि किस नेचर का होता है, बेसिक नेचर का होता है। तो
तो यहाँ पे अगर एसिडिक इंप्योरिटीज हैं इसके अंदर, SiO2 है मान लो, सिलिका वगैरह है, तो इसके साथ जुड़ेगा और ये क्या बन जाएगा, CaSiO3, ठीक है, और प्लस में CO2 और भी बनेगा। इसे क्या बोलते हैं, कैल्शियम सिलिकेट बोलते हैं, जो कि स्लैग है, और ये स्लैग मोल्टन स्लैग नीचे आके बाहर निकलता रहता है, बाहर निकलता रहेगा। लास्ट पॉइंट पे पहुंचते हैं, लास्ट पॉइंट है आपका भाई रिडक्शन जोन। क्या है रिडक्शन जोन, इस बिल्कुल टॉप पे जा चुके हैं हम, यहां पे रिडक्शन जोन है। रिपीट कर रहा हूं, कंबशन जोन, फ्यूजन जोन, स्लैग फॉर्मेशन जोन, रिडक्शन जोन, सबसे इंपॉर्टेंट है रिडक्शन जोन। रिडक्शन जोन में क्या होगा, आयरन ऑक्साइड, जितनी भी तरह के आयरन ऑक्साइड है, वो आयरन ऑक्साइड कंबाइन करेंगे किसके साथ, कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ, और वो कन्वर्ट हो जाएंगे आयरन के अंदर, कोई भी हो, चाहे आपके पास FeO है, वो कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ जुड़ेगा, वो बन जाएगा Fe+CO2, चाहे आपके पास Fe2O3 है, वो जुड़ेगा कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ, वो बन जाएगा CO2 प्लस में आयरन। बैलेंस नहीं करवा रहा हूं मैं, ठीक है, बैलेंस आप बुक में से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत भी नहीं है, मेन आपका प्रोडक्ट मैटर करता है। चाहे आपका Fe3O4 भी है, क्योंकि कई तरह के ऑक्साइड पॉसिबल है ना वहां पे, तो वो भी आपका आयरन में कन्वर्ट होगा, प्लस में CO2 में कन्वर्ट होगा। बात समझ में आ रही है, रिपीट कर रहा हूं स्पीडली सारे का सारा फंडा भैया। लास्ट में हम करके आए हैं कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन करके आ चुके हैं, अभी हम लोग उसकी कैल्सिनेशन भी कर ली हमने, अभी हम कर रहे हैं रिडक्शन, स्मेल्टिंग जिसे हम लोग कहते हैं, स्मेल्टिंग, अलग अलग तरीके से स्मेल्टिंग की रिडक्शन की जाती है, यहाँ पे हम स्मेल्टिंग कर रहे हैं। अच्छा एक बच्चे क्वेश्चन था, सागर का क्वेश्चन था कि सर स्मेल्टिंग कहाँ होती है, कि वो ब्लास्ट फर्नेस के अंदर होती है या रिवर बैरेटरी फर्नेस के अंदर होती है, दोनों के अंदर हो सकती है, ठीक है, ऐसा कोई फंडा नहीं है। तो देखिए स्मेल्टिंग की हमने, बट जनरली उसके लिए यूज किया जाता है, कॉपर के केस में रिवर बैटरी फर्नेस होती है उसमें। स्मेल्टिंग में होता क्या है, आयरन ऑक्साइड के साथ कार्बन कंबाइन करते हैं, आयरन बनता है, CO बनता है, या फिर यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड कंबाइन करेंगे तो आपका क्या बन जाएगा, यहाँ पे इससे CO2 बन जाने वाला है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग एंड आई एम नॉट रॉन्ग, आई एम राइट। तो देखिए क्या होगा, तीन चार जोन होते हैं, कंबस्टन जोन, फ्यूजन जोन, स्लैग फॉर्मेशन जोन एंड रिडक्शन जोन। सबसे नीचे कंबस्टन जोन है जिसका टेम्परेचर है 2170 केल्विन, उसके बाद फ्यूजन जोन 1570 केल्विन, स्लैग फॉर्मेशन जोन 1270 केल्विन, रिडक्शन जोन, चार जोन में इसको डिवाइड कर गया, हर एक जोन में अलग अलग रिएक्शन होगी। सबसे बात करते हैं कंबस्टन जोन की, जो कि सबसे नीचे है, जहां पे टेम्परेचर सबसे ज्यादा, और देखो ना जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं ना टेम्परेचर कम हो रहा है। अब बात ये होती है कि सर यहां पर टेम्परेचर कैसे प्रोवाइड करते हैं, यहां से देखिए हम हॉट एयर ब्लास्ट करवाते हैं, कॉन्टिन्यूसली बहुत गर्म गर्म हवा भेजते हैं और बाकी रिएक्शन चलती रहती है। तो क्या होगा, कोक के साथ ऑक्सीजन जुड़ेगी, CO2 बनेगा, ये रिएक्शन एंडोथर्मिक होती है। थोड़ी सी ऊपर चलते हैं जहां पे टेम्परेचर थोड़ा सा कम हो रहा है, क्योंकि वहां पे फ्यूजन जोन है, कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन के साथ जुड़ेगा तो आपका कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा। यहाँ पे जो कार्बन प्रेजेंट है फ्यूजन जोन में, जो कार्बन प्रेजेंट है वो फेरिक ऑक्साइड के जुड़ के साथ जुड़ के आयरन बना लेगा, 3CO बना लेगा। और जो जो हम आयरन बना रहे हैं ना, जो बोलते हैं पिग आयरन, और अगर आपको तो पिग आयरन वर्स्ट क्वालिटी ऑफ आयरन बोलते हैं, ठीक है, सबसे इंप्योर फॉर्म होती है। थोड़ी सी और ऊपर जाते हैं, इसमें थोड़ी सी नीचे आते हैं, स्लैग फॉर्मेशन जोन, कि अगर आपके इसमें एसिडिक इंप्योरिटीज है, क्योंकि देखो ना मेटल का ऑक्साइड है। अब मेटल का ऑक्साइड क्या होगा, मेटल के ऑक्साइड तो बेसिक होते हैं, बेसिक में इंप्योरिटीज कैसे होती है, एसिडिक इंप्योरिटीज ही जुड़ी, एसिडिक इंप्योरिटीज को जोड़ने के लिए हम लोगों ने लाइमस्टोन भी डाला है, ठीक है, और से तो हमने आयरन को प्राप्त करना है, लाइमस्टोन हमने क्यों डाला है, सो दैट कि हम एसिडिक इंप्योरिटीज को रिमूव कर दें। हमने कोक क्यों डाला है उसके अंदर, कोयला क्यों डाला है, सो दैट कि जो आयरन ऑक्साइड है उसकी रिडक्शन की जा सके। कल हमने बात की थी एलिंगम डायग्राम में, हमने देखा था रिड्यूसिंग एजेंट जो है वो या तो कार्बन होता है या कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, यहाँ पे बेस्ट वही रोल प्ले करते हैं। स्लैग फॉर्मेशन जोन में क्या होगा, सिलिका है जो कि एसिडिक होता है नेचर में, तो उस पर CaCO3 रिएक्ट करेगा, स्लैग बनाएगा, ठीक है, स्लैग क्या हो जाता है फिर भारी हो जाता है, वो बाहर निकलेगा, ये देखिए मोल्टन स्लैग बाहर आ रहा है। सबसे ऊपर जहां पे टेम्परेचर सबसे कम है, ये है रिडक्शन जोन। यहाँ पे क्या होगा, जो कार्बन मोनोऑक्साइड वगैरह आपने बहुत सारे बना लिए हैं, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड नीचे से बना, फिर कार्बन मोनोऑक्साइड बना, सारी इंप्योरिटीज निकाल चुकी हो, यहाँ पे ऊपर आपको क्या मिल रहा है, आयरन ऑक्साइड, उसके साथ कार्बन मोनोऑक्साइड जुड़ेगा और क्या बना लेगा, आयरन एंड CO2 और CO जो भी है वो सारी की सारी बाहर निकलती जाएंगी। ये गैसेस क्या है जो बाहर होनी है, क्योंकि कहीं जगह पे CO बन रहा है, कहीं जगह पे CO2 बन रहा है, सब कुछ बाहर निकलेगा।
एंड जो आयरन है वो प्योर हो चुका है, बहुत थोड़ा बहुत कंटेंट रह गया है वो यहां से बाहर, जिसे हम लोग पिघलने कहते हैं। तो बस यही होता है हमारा एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। बस करना क्या है, अच्छे से नोट करो, थोड़ा सा टाइम दो और चैनल को भी सपोर्ट करना है। आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है हमें और हमारी टीम को, जो बहुत मेहनत कर रही है दिन रात आप सभी के लिए। ऑल द बेस्ट।